बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक या यूं कहे तो बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत आजकल फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्कूप बीट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने न्यू रियलिटी शो लुकअप के लिए दे रहे इंटरव्यू में कंगना रनौत ने एक ऐसी बात कही जो बात अब सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। India.com को दे रहे इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत ने कहा कि वह बचपन से ही निडर हैं। इसका सबूत यह है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया। वो अपने डैडी की कभी नहीं सुनती, तो बॉलीवुड में बैठे इन बिग डैडीज की कैसे सुन सकती हैं? उन्होंने आगे कहा कि लोगों को ये लगता है कि मैं लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा बयान देती हूँ, पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँचने के लिए मैंने कितना स्ट्रगल किया है। अब मैं अपनी फिल्में खुद चुनती हूँ, अब मैं वही फिल्में करती हूँ जिसमें विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा वो बॉलीवुड के लोगों पर, खासकर करण जौहर पर नेपोटिज्म का आरोप लगाकर अपने बयानों से विवाद खड़ा करती हैं। आपको बता दें कि India.com को ये इंटरव्यू कंगना रनौत ने अपने आने वाले रियलिटी शो लॉकअप को लेकर के दिया, जिसकी प्रोड्यूसर और कोई नहीं एकता कपूर हैं। बीते बुधवार को कंगना रनौत के न्यू रियलिटी शो लॉकअप का ट्रेलर रिलीज हुआ था। ट्रेलर को देखकर ये कयास लगाया जा रहा है कि यह शो बिग बॉस के जैसा ही होगा। कंगना रनौत की इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और एंटरटेनमेंट की ऐसे ही खबरों के लिए हमें फॉलो करते रहें।